स्वागत बंधन। आज हम नवम कक्षा या विषय संस्कृत के अंतर्गत जो पाठ पढ़ चुके हैं, आज उस पाठ पर्यावरण पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है पर्यावरण संकलित है, निबंधा है, पाठा एकादश है। आज हम ये जो पाठ पढ़ चुके हैं, इसके अनुवादों को समझ चुके हैं, उसी पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला दिया है जो पाठ के अभ्यास है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला दिया है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहां सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो कहां सुरक्षित रहता है मनुष्य, पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की गोद में। फिर है, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण कहां पाया जाता है। तो सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, यानी कुत्र यानी कहां पाया जाता है। उत्तर क्या आएगा, वने अर्थात वन में। आश्वचनम किमस्ति, आश्वचन जो है वह क्या है, क्या आएगा, ऋषि वचनम, ऋषियों का वचन ही आश्वचनम है। अथवा धर्मो रक्षितः रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। फिर है, पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण किसका अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो किसका है, धर्मस्य अर्थात धर्म का। लोक रक्षा कया संभति, यानी यहां आएगा प्रतिरक्षया, प्रकृति की रक्षा से। आजात शिशवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, जो अजन्म शिशु है वह कहां सुरक्षित रहता है। तो अजन्म शिशु कहां सुरक्षित रहता, मातृ गर्भ, माता के गर्भ में। प्रकृति ही केषां संरक्षणाय यतते, प्रकृति जो है किनके संरक्षण के लिए प्रलय करती है। तो सर्व प्राणी नाम, यानी सभी प्राणियों के लिए प्रकृति किसके लिए, किसके संरक्षण के लिए प्रयोग करती, सर्व प्राणी नाम अर्थात सभी प्राणी। अब देखिए यहां से प्रश्न जो दूसरा शुरू हुआ है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, जो प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत भाषा के द्वारा उसमें लिखना है। पहला, अधोलिखित वाले हैं ये पूर्ण वाक्यन वाले, प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि संति, क्या दिया है, प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि संति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं। देखिए पृथ्वी के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो यहां पर क्या आएगा, पृथ्वी के प्रमुख तत्व हैं पृथ्वीम जलम तेजो वायु आकाश, प्रकृते प्रमुख तत्वानि संति, अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। किसके प्रमुख तत्व हैं, प्रकृति के। फिर है, स्वार्थंधा मानवम किम करोति, स्वार्थ में जब अंधा मानव हो जाता तो क्या करता है, तो स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है। उत्तर क्या आएगा, स्वार्थंधा मानवः अद्य पर्यावरणम नाश्यति, क्या कर रहा है, पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। चलिए अब है, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण में विकार उत्पन्न, विकार होने से क्या होता है, तो क्या आएगा, पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्यास जायन्ते, अर्थात पर्यावरण में विकार होने से विभिन्न रोग और भीषण समस्या उत्पन्न होती है। फिर है, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया,
अस्माभि यानी हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कथम करनी है, यानी कैसी करना चाहिए। तो उत्तर क्या आएगा, अस्माभि प्रकृति ही रक्षणीया तेन च पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति। हमारे द्वारा, अस्माभि यानी हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा होगी। लोक रक्षा कथम संभवति, संसार की रक्षा कैसे संभव होती है। तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षैव संभवति, संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संभव होती है। फिर दिया है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। तो शुद्ध पर्यावरण में हमें क्या क्या, मतलब जो शुद्ध पर्यावरण होता है वो हमें क्या क्या देता है। तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच ददाति। जो शुद्ध पर्यावरण होता है वह हमें सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप देखिए यहां पर है स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माण। जो मोटे अक्षर दिए हैं उनके आधार पर आपको क्या करना, प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे पहले दिया है वन वृक्षा निर्विवेकम चिंदन्ते, वन के वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जा रहे। अब यहां हमको क्या बनाना, प्रश्न निर्माण। अब इसमें प्रश्न निर्माण में क्या आएगा, के निर्विवेकम चिंदन्ते, कौन बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। फिर है खा वृक्ष वृक्षकर वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती। अब प्रश्न निर्माण क्या आएगा, कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, किससे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती। फिर है प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति जीवन का सुख देती है। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, प्रश्न निर्माणम प्रकृति ही किम प्रददाति, प्रकृति क्या देती है। अब आजात शिशुवः मातृ गर्भः सुरक्षितः तिष्ठति, अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित है। प्रश्न निर्माण क्या आएगा इसका, आजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, अर्थात कि कहां वह सुरक्षित रहता है, अजन्मा शिशु कहां सुरक्षित रहता है। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, देखिए पर्यावरण की रक्षा कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है। अब यहां प्रश्न नंबर चौथा, उदाहरण मनुसूत्र पद रचना कुरुत, पद रचना कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना कीजिए। जैसे दिया है जले चरंती इति, तो क्या आएगा यहाँ पर, जल चरा, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा कि जैसे स्थले चरंती इति स्थल चरा, निश्याम चरंती इति निशाचरा, व्योमिनेह चरंती इति व्योम चरा, गिरौ चरंती इति गिरी चरा, भूमौ चरंती इति भूमि चरा। अब एक और जैसे दूसरा दिया है खा यथा न पेयम इति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपेयम। अब देखिए यहाँ पर ना वृष्टि इति अवृष्टि ही, ना सुखम इति असुखम, ना भाव इति अभाव, ना पूर्ण इति अपूर्ण। चलिए आप जनधन तिन जाति, भज धन तिन भक्ति और निधन तिन नीति ही। अब यहां पर देखिए ये दिया है प्रश्न नंबर निर्देशानुसार परिवर्तत्या, आपको निर्देशानुसार क्या करना है, परिवर्तयत, यानी निर्देश के अनुसार इसमें परिवर्तन करना है। जैसे स्वार्थ अंधो मानवः अद्य पर्यावरणम् नाश्यति, ये बहुवचन में, तो क्या आएगा, स्वार्थ अंधा मानव अद्य पर्यावरणम् नाश्यन्ति, किसमें बदला ये, बहुवचन में। अब देखिए यहां दिया है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, बहुवचन में, तो उत्तर क्या आएगा इसका, संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। फिर खा दिया है मानव पर्यावरण कुछ सुरक्षिता भवंती, एक वचन में, किसमें वचन में, एक वचन में, यहाँ पे अपने क्या बदला था, बहुवचन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, मानव पर्यावरण कुछ सुरक्षिता भवती। फिर दिया है वन वृक्षा निर्विवेकम
चिंतन्ते, एक वचन में तो यहां पर क्या आएगा, वन वृक्षा निर्विवेकम चिद्यते, गिरी निर्जरा निर्मलम जलम प्रक्षन्ति, इसमें द्विवचने, तो क्या आएगा उत्तर, गिरी निर्जरौ निर्मलम जलम प्रक्षन्ति, किसमें आ गया ये, बहुवचन में। आप देखिए दिया, पर्यावरण संरक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि, विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातिष्यामि, ठीक है। अब कौन कौन से पांच, अहम वृक्षारोपण करिष्यामि, अहम जल प्रदूषण न करिष्यामि, हम वृक्षारोपण करेंगे, जल प्रदूषण यत्र तत्र मलमूत्र विसर्जन न करिष्यामि, धर धर गंदगी नहीं फैलाएंगे, अहम स्तनचराणाम जलचराणाम च रक्षाम करिष्यामि, हम मतलब जल और थल दोनों की ही रक्षा करेंगे, अहम निरर्थम वृक्षाणाम कर्तम न करिष्यामि, इस प्रकार से हम बेकार से मतलब जो वृक्ष उनको नहीं काटेंगे, वृक्षों को लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। फिर है उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक्त्वा लिखत, जो उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को अलग करके लिखना है, जैसे इसमें दिया उदाहरण के लिए संरचना है, उपलभ्यते उप उपसर्ग है, निवसंती नि उपसर्ग है, समुपरहन्ति समधन उप, वितरन्ति बी उपसर्ग है, प्रक्षन्ति प्र उपसर्ग है, उपगता उपसर्ग है, प्रतिभाति प्रति उपसर्ग है। चलिए इसके बाद है उदाहरण मनुष्य अधुलिखता नाम समस्त पदा नाम मतलब विग्रह लिखत, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह लिखना है, जैसे दिया है तेज वायु च गिरी निर्झरा, पहले का तेज वायु था, दूसरा गिरी निर्झरा, गिरह निर्झरा च। अब देखिए यहां पर दिया है उत्तर, पत्र पुष्पे पत्रम च पुष्पम च, लता वृक्षौ लता च वृक्षः च, पशु पक्षी पशु च पक्षी च, कीट पतंगौ कीटः च पतंगः च। इस प्रकार मैंने आपको यहां पर पर्यावरण के जो प्रश्नोत्तर थे नवम कक्षा आया विषय संस्कृत के उसको पढ़ाया, यहां पर आपका जो पाठ जितने भी हैं जो कोर्स है आपका वो पूरा कंप्लीट होता है, आप लोग इसके प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।